अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल बेंजीन हैविंग ओएच ग्रुप अटैच इसको आप फिनोल कहते हैं फिनोल दो तरह से रिएक्शन करता है फर्स्ट इन विच ओएच ग्रुप ग्रोप ऑफ फिनोलिज इन्वाल्व एंड सेकंड इन विच बेंजीन रिंग ऑफ फिनोलिस इन्वॉल्व फर्स्ट हम रिएक्शन करेंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग की वजह से फिनोल के अंदर जो तो रिएक्शन होते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सबसीचुशन रिएक्शन इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग रिप्लेस हो जाएगा बाय एन इलेक्ट्रोफाइल इसकी फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रेशन इन नाइट्रेशन रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से फर्स्ट नाइट्रिक एसिड से आपके पास एन ओ टू नाइट्रोनियम आइन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा अब नाइट्रिक एसिड के साथ दो तरह से रिएक्शन होता है इन केस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर फिनोल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट आती है आर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल रीजन ओ एच ग्रुप आपके पास आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस वजह से आर्थो एंड पैरा पैरापोजिशंस आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती so पे है सो इनकमिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पैरापोजिशन पे ईजी हो जाता है इसलिए आर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा पैरानाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट आती है टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल अब इसकी रीजन ये है कि आपके पास ओ एच ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सो तो ये रिंग की रिएक्टिविटी को इन्हेंस करता है इंक्रीज़ करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है रिंग की कि आपके पास एट अ टाइम जितनी भी एक्टिवेटेड पोजिशन हैं आर्थो एंड पैरा पोजिशन वो नाइट्रो ग्रुप जो है कवर कर लेगा सो तो प्रोडक्ट आएगी टू फोर सिक्स ट्राई ये इसका systematic name है और इसका है, है स्पेशल है, से हेलोजन से भी दो तरह से रिएक्शन होता है इन एक्सोलूशन ऑफ इन केस ऑफ एक्स सोल्यूशन आपके पास वाटर की प्रेसेस में ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करें फिनोल का तो सबसे पहले जो आपके पास वाटर है पोलर सॉल्वेंट है ये ओ एच ग्रुप की आयोनाइजेशन को इन्हेंस कर देगा जब आपके पास ओ एच ग्रुप आयोनाइज होता है तो यहाँ से आपके पास ओ नेगेटिव फिनोक्साइड बनता है फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो रिंग की रिएक्टिविटी को आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा सो रिंग बिकम हाईली एक्टिवेटेड जैसे ही रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है सो एट अ टाइम इसकी जो अवेलेबल एक्टिवेटेड पोजिशन हैं आर्थो एंड पैरा पोजिशन वो इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन जो है कवर कर लेता है, है आफ्टर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन सो यहाँ से भी रिप्लेस हो जाएगी हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव ब्रोमीन यहाँ से भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव ब्रोमीन और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा आप अक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव ब्रोमीन सो टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिन बनेगा सेकेंड केस ऑफ नॉन पोलर सॉलमेंट अगर नॉन पोलर सॉलमेंट यूज़ करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मोनो सब्सिटुटेड प्रोडक्ट बनता है यानी एट अ टाइम सिर्फ एक सब्सिंट जो अटैच हो सकता है आर्थो या पैरा पोजिशन पर इसकी रीज़न ही होती है नॉन पोलर सॉलमेंट फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइट्राक्लोराइड भी हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है नॉन पोलर सॉलमेंट की प्रोसेस में जो ओ OH एच है इसकी आयोनाइजेशन स्प्रेस हो जाती है आयोनाइजेशन स्प्रेस होने से आपके पास जो है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी डोनेशन पावर नहीं रहती इसलिए जो रिंग है वो आपके पास स्लाइटली लेस एक्टिवेटेड होती हैं। जब इसकी एक्टिविटी लेस होती है तो आपके पास एट अ टाइम सारी आर्थो एंड अवेलेबल पोजिशन कवर नहीं हो सकती एट अ टाइम वन सब्शन अटैक कर सकता है आर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे सो so, जो जो प्रोडक्ट आते हैं वो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल है यानी इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉलमेंट ओनली वन सब्सन अटैक कर सकेगा सो मोनो सब्सचेटेड प्रोडक्ट बनेगा अब नेक्स्ट रिएक्शन विद ओएच ग्रुप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में है